वेलकम टू हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी। हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ। तो आज आपका इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ एक मैंगो का गुठली यानी मैंगो का सीड से एक प्लांट कैसे तैयार किया जाता है एंड उसमें ग्राफ्टिंग कैसे होता है, फिर उसमें फल कैसे पकड़ते हैं, इसका सारा ट्रीटमेंट वगैरह जो होता है किसी माध्यम से लगाया जाता है, तो सारे आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक पॉलीबैग लिया जो थैली होता है छोटा 6x6 का थैली है, उसका चारों तरफ से छेद किया हुआ है आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने एक मैंगो का गुठली लिया हो जो थोड़े दिन रखा हुआ था, 8-10 दिन ऐसे रखा हुआ था। आप चाहे तो नया बिल्कुल यानी जो आम खा के उसके बाद जो गुठली आते हैं वो भी लगा सकते हो। एंड मिट्टी जो रखना है आपको गीला भी रख सकते हो या सूखा, अगर सूखा मिट्टी डालेंगे तो आपको गीला करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे सीड्स को हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हो, यहाँ पे जैसे वर्टिकली ऐसे भी आप सीड्स को लगा सकते हो, पर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली दे रहे हैं। एंड इसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी देके, ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं है एकदम थोड़ा सा मिट्टी देके इसको भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये मिट्टी दिया जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा ही मिट्टी देना है। बहुत ज़्यादा देंगे तो होने में थोड़ा लेट हो जाता है और साथ ही साथ इसका जो सीड्स होता है ये सड़ जाता है। तो क्या करना है आपको, हल्का करके ऊपर से एक लेयर मिट्टी डाल देना है। एंड उसके बाद अगर सूखा मिट्टी होगा तो इसको ऊपर आपको पानी डालना पड़ेगा, अगर गीला मिट्टी है तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको लेके आपको किसी शेड के नीचे रखना है, शेड के नीचे रख सकते हो या कड़ी धूप में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। फिर जाके ये देखो ये निकाल के आया, छोटा सा एकदम बिल्कुल जस्ट निकला है। और उसे सीड्स को लगानी यानी गुठली को यहाँ पे प्लांट करने के बाद चार से पाँच दिन बाद ये निकला है। एंड इसको निकाल के इसको बड़ा करना है, फिर जाके इसी के ऊपर ग्राफ्टिंग हमें करना है। तो देख सकते हो बहुत ही सुंदर है एंड ये बड़े भी होंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा है। मिट्टी आपको बराबर गीला रखना है, अगर मिट्टी को आप गीला नहीं रखेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी आपका जो सीड्स होगा यानी जो बीज होगा वो बिल्कुल सूख जाएगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपका यहाँ पे देख सकते हो थोड़े दिन बाद यहाँ पे इसका प्लांट बन गया, बड़े से प्लांट। एंड इसको अभी ग्राफ्टिंग होने में थोड़े देरी है, अभी भी कर सकते हैं पर इसको थोड़े देरी करके इसको ग्राफ्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लांट काफ़ी सुंदर बना है, पर प्लांट को बड़े करने के लिए जल्दी ग्राफ्टिंग करने के लिए आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी जो खाद आपको इस्तेमाल करनी है वो है आपका NPK का 10-26 भी इस्तेमाल कर सकते हो या DAP का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें DAP इस्तेमाल करने से मोटा होता है, जल्दी बढ़ जाता है, इसका ग्रोथ हो जाता है काफ़ी अच्छा, इसका जैसे हेल्दी आप दिख रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ये देखो, ये ग्राफ्टिंग किया गया था, यहाँ पे इस प्लांट को ग्राफ्टिंग किया गया था कार्टिमोन मैंगो का ग्राफ्टिंग किया गया था। एंड ग्राफ्टिंग करके इससे जो फ्लावर फ्रूटिंग, देखो यहाँ पे फ्लावरिंग आ चुका है बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से। तो ये सारे प्लांट हमारे नर्सरी में मिल जाता है, अगर आपको चाहिए तो नीचे नंबर दे, इस नंबर पर संपर्क करें। वीडियो के इतना देखने के लिए बहुत बहुत